गेम के अंदर बहुत ही जल्दी प्रोजेक्ट क्रिम्सन का इवेंट आने वाला है। प्रोजेक्ट क्रिम्सन थीम के ऊपर एक न्यू इवो बंडल आने वाला है। उसका ही थीम के ऊपर एक न्यू इवो गन M1014 2.0 आने वाला है। हर एक आइटम आप लोगों को कौन कौन सा इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा, इस थीम के ऊपर जितने सारे आइटम्स है रिवॉर्ड्स है वो आज का वीडियो में आप लोग देखने वाले हो। नेक्स्ट डायमंड रॉयल, नेक्स्ट वेब इवेंट, फ्रेंड कॉल बैक इवेंट के साथ साथ ढेर सारा इंफॉर्मेशन रहने वाला है आज का वीडियो पे। सो गाइस, आज का वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी मिस मत करना, बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट डायमंड रॉयल के ऊपर। एक गाइस ऑफिशियल बैनर निकाल के आया है, आप लोग देख सकते हो। ये जो बंडल है, ये बंडल आप लोगों को नेक्स्ट डायमंड रॉयल के अंदर देखने को मिलेगा। फ्री फायर का हर एक सर्वर के ऊपर ये वाला बंडल डायमंड रॉयल के अंदर आने वाला है। हम में से बहुत जन पूछ रहे थे कि गाइस हमारा नेक्स्ट वेपन रॉयल कौन सा होने वाला है। वेपन रॉयल के ऊपर भी अपडेट देने वाला हूँ, चैनल के ऊपर बने रहना। गेम के अंदर गाइस हर एक गोभी अपडेट के अंदर फ्रेंड कॉल बैक का इवेंट आता है। मैं वो इवेंट का बात कर रहा हूं जिसके अंदर गाइस आपका फ्रेंड के साथ 4 या 5 गेम प्ले करने का बाद आप लोगों को काफी अच्छा-अच्छा रिवॉर्ड्स देखने को मिलता है। इस बार गाइस आप लोगों को कोई भी बंडल नहीं, बल्कि गाइस आप लोगों को 9999 डायमंड देखने को मिलेगा। इंटरफेस आप लोग देख सकते हो, इनमें से मोस्ट लकीएस्ट पर्सन को ही दिया जाएगा। ये जो बॉक्स दिया जा रहा है इसका ड्रॉप रेट बहुत ही हाई है, मतलब गाइस 50-50 चांस है मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। इंडिया सर्वर के अंदर भी रमजान इवेंट स्पेशल एक कॉल बैक इवेंट आने वाला है। बाकी गाइस बात करते हैं गेम के अंदर आने वाला प्रोजेक्ट क्रिम्सन इवेंट के ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस थीम के ऊपर डिजाइन किया गया है जो आइटम से रिवॉर्ड्स है वो दिखाना चाहूंगा। उसके बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन सा इवेंट के अंदर क्या कुछ आने वाला है, इवेंट का इंटरफेस कैसा होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग देख सकते हो न्यू इवो बंडल जो गाइस आप लोगों को फेडेड व्हील इवेंट के अंदर से देखने को मिलेगा। कुछ न्यू टाइप का इंटरफेस आने वाला है, उसका रिव्यू आज का वीडियो में रहने वाला है। बेसिक बंडल आप लोगों को फेडेड व्हील के अंदर से मिलेगा। टोकन देके अपग्रेड करता जाओगे तो एक एक करके कलर आप लोगों को अनलॉक होता जाएगा। जैसे जैसे आप लोग को बंडल्स एंड उसका कलर को अनलॉक करते जाओगे आप लोगों को कुछ इमोट्स एंड लुक चेंजर इमोट्स भी देखने को मिलेगा। सारे के सारे आइटम से धीरे धीरे आप लोगों को दिखाऊंगा। मेन जो बंडल होने वाला है ये आप लोग देख सकते हो, इसका प्राइस सबसे हाई दिया जाएगा। इसके अलावा गाइस प्रोजेक्ट क्रिम्सन थीम के ऊपर एक गाइस कैरेक्टर का डिलक्स बंडल निकाल के आ रहा है जो कि ओरियन कैरेक्टर है। हमारा इवेंट आने का बाद आप लोगों को स्टोर के अंदर ये बंडल एंड इसका जो कैरेक्टर है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका ही थीम के ऊपर एक न्यू MP5 लेजेंडरी गन स्किन निकाल के आ रहा है जिसके अंदर आर्मर पेनेट्रेशन डबल प्लस दिया जा रहा है, मैगजीन सिंगल प्लस दिया जा रहा है। सेम गाइस इसी का थीम के ऊपर एक थीम वेपन का स्किन M60 निकाल के आया है एंड गाइस एक नाइफ का स्किन निकाल के आया है। आप लोग देख सकते हो एक अच्छा खासा नाइफ का स्किन दिया जा रहा है, लेजेंडरी एंड बहुत सारा इफेक्ट दिया जा रहा है। एक काटाना का स्किन भी निकाल के आया है, आप लोग देख सकते हो ब्लडी थीम के ऊपर बेस्ड है। एक गाइस पेन का भी स्किन निकाल के आया है, आप लोग देख सकते हो। मोस्ट ऑफ आइटम्स इस इवेंट के अंदर से आप लोग को फ्री में देखने को मिलेगा। ऊपर में प्रोजेक्ट क्रिम्सन का लोगो है, इसका मतलब समझना कि कोलैबोरेशन है। ये फ्री फायर का अपना ही इवेंट है। कुछ कुछ आइटम्स का फाइल अभी भी गेम के अंदर अवेलेबल नहीं है। एंड गाइस जो न्यू फिस्ट स्किन आया है ये आप लोगों को टोकन टावर इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। इसका भी रिव्यू रहने वाला है आने वाला टाइम पे। एक ग्रेनेड का स्किन निकाल के आया है एंड हर बार के तरफ इस बार भी मेगा इवेंट स्पेशल आप लोग लेजेंडरी गुलवाल का स्किन मिलने वाला है जिसके अंदर गाइस हमारा प्रोजेक्ट क्रिम्सन का जो इफेक्ट है वो दिया जा रहा है एंड एक थीम गुलवाल का स्किन आने वाला है जो प्रोबेबली फ्री में मिलेगा, जिसका फाइल अभी तक अवेलेबल नहीं है। एंड इसी थीम के ऊपर एक लेजेंडरी एंड इवो गन M1014 2.0 निकाल के आ रहा है जो स्कॉर्पियो या बीत चुका थीम के ऊपर बेस्ड है। ये जो प्रोजेक्ट क्रिम्सन का इवेंट आने वाला है मोस्ट ऑफ आइटम्स आप लोग को बीत चुका थीम के ऊपर देखने को मिलेगा। बीत चुको इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहा जाता है एंड गाइस इसलिए हर एक आइटम से रिवॉर्ड के ऊपर स्कॉर्पियो का लोगो बना है। कुछ इमोट्स निकाल के आया है, आप लोग देख सकते हो। इनमें से गाइस ये इमोट आप लोगों को लागरोयल या टॉप अप इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी जो इमोट्स है ये आप लोगों को गाइस लेजेंडरी इवो बंडल अनलॉक
अनलॉक करने का बाद ही मिलेगा। एक एक ग्रुप इमोट निकाल के आया है, आप लोग देख सकते हो आपका स्क्वाड में जो जो कर रहा है वो लोग यूज कर पाएगा। एंड गाइस आप लोगों को यूआईडी अराइवल एनिमेशन भी देखने को मिलेगा जो कि कहते ही जेर वाला बात है। इस वाला लेजेंडरी बंडल को अनलॉक करने का बाद आप लोग को एक लुक चेंजर रिमोट बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। मतलब गाइस आप लोग को टोकन देने का बाद ही आप लोगों को मिलेगा। इसका गाइस थीम के ऊपर एक लेजेंडरी फेस पेंट का स्किन निकल के आया है, जिसके अंदर गाइस आपका जो आंख है आंख के ऊपर से कुछ गाइस फायरी टाइप का इफेक्ट निकल के आ रहा है जो कहते ही जहर वाला बाद है। एक स्कार्फ का स्किन भी निकल के आया है, आप लोग देख सकते हो, जो आप लोगों को टॉप अप इवेंट के अंदर ही मिलने वाला है। कलेक्शन के ऊपर बात करें तो म्यूजिक सीडी कार्ड, कुछ बैनर्स एंड कुछ अफ्तर्स भी निकल के आ रहा है। कैरेक्टर्स का जो बबल हेड है वो भी निकल के आ रहा है। पिन, हमारा लॉबी प्लांट, उसके साथ साथ गाइस आप लोग देख सकते हो जो लूट बॉक्स है उसका फाइल अभी भी गेम के अंदर अवेलेबल नहीं है। बैकपैक गाइस आप लोग देख सकते हो लेवल 3, लेवल 2 एंड लेवल 1 के अंदर कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। पूरा का पूरा बीत चुका थीम के ऊपर बेस्ड है, अच्छा खासा बैकपैक है दिया जा रहा है। इसके अंदर ट्रिगर एनिमेशन भी मिलने वाला है। सेकंड जो बैकपैक का स्किन है जो फ्री में मिलने वाला है उसका फाइल अभी भी अवेलेबल नहीं हुआ है। इसके अलावा गाइस सर्फ बोट का स्किन देख सकते हो, ये वाला सर्फ बोट का स्किन भी आप लोगों को फ्री में मिलने वाला है। एक गाइस बाइक का स्किन निकल के आया है, ये भी आप लोगों को टॉप अप इवेंट के अंदर नजर आएगा। एक वुल्फ पेट का स्किन निकल के आया है, ये भी आप लोगों को फ्री में मिलेगा। ये जो टोकेंस देख रहे हो ये टोकेंस आप लोगों को ईवो M10/14 2.0 को अपग्रेड करने के लिए यूज होगा। इसके अलावा अभी जो टोकेंस देख रहे हो ये टोकेंस आप लोगों को लेजेंडरी बंडल अनलॉक करने का बाद ही मिलेगा। एंड गाइस देख सकते हो लेजेंडरी बंडल के अंदर कुछ ट्रिगर एनिमेशन दिया जाएगा। एंड गाइस इसके अलावा ये मिशन कंप्लीट करने का बाद कुछ आप लोगों को टोकेंस मिलेगा, जिसके अंदर से आप लोगों को फ्री का रिवॉर्ड्स मिलेगा। वो टोकेंस गाइस आप लोग का स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का टोकन आप लोगों को नजर आएगा जो गाइस मिशन कंप्लीट करने का बाद मिलेगा। ओवरऑल जो आइटम्स है रिवॉर्ड्स है मैं आप लोगों को दिखा दिया। यूट्यूब के अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिमसन इवेंट स्पेशल डिजाइन किया गया जो आइटम्स है, जो रिवॉर्ड्स है जो निकल के आया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी गाइस बात करते हैं आने वाला इवेंट के ऊपर प्रोजेक्ट क्रिमसन। इवेंट स्टार्ट होने का पहले आप लोगों को गेम के अंदर एक न्यू लोडिंग स्क्रीन देखने को मिलेगा, जैसे कि गाइस आप लोग को स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। इसके अलावा गाइस आप लोग तो अभी के टाइम लॉबी देखने को मिल रहा है, यही लॉबी रहने वाला है। इसके अलावा गाइस जो स्पॉन आइलैंड है ये भी इसी का थीम के ऊपर बेस्ड है। वीडियो का स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को एक ट्रेलर दिखाया था जो कि गाइस ईवो बंडल का ट्रेलर होने वाला है। बाकी गाइस मैं आप लोगों को जो मेन एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो दे देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा गाइस हमारा न्यू लेजेंडरी बंडल ईवो बंडल स्कॉर्पियो का। जो न्यू लेजेंडरी बंडल है ये कैसा रहने वाला है, सेम गाइस इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है, इस प्रकार का बैकग्राउंड रहने वाला है फेडेड व्हील इवेंट का। इवेंट कंप्लीट करने के लिए 1200 डायमंड लगेगा। ये वाला बंडल मतलब जो बेसिक वाला बंडल है जिसके अंदर कोई भी एनिमेशन नहीं है, थीम बंडल 4 पीसेस के अंदर आ रहा है, ये वाला बंडल आप लोगों को मिलेगा। फेडेड व्हील इवेंट के अंदर से 1200 डायमंड देके ये वाला बंडल को आप लोग को अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस टोकन देके अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप लोग को टोकन देके अपग्रेड करता जाओगे ऐसे ऐसे गाइस आपका बंडल का जो कलर्स है, जो एनिमेशंस है, जो इमोट्स है, लुक चेंजर इमोट्स है, ये आप लोग को फ्री में मिलता जाएगा। बट हां जो ट्रिगर एनिमेशंस वगैरह है इसके लिए आप लोग को एक्स्ट्रा डायमंड पे करना पड़ेगा। एंड गाइस जो ईवो बंडल का फेडेड व्हील का इवेंट है जो निकल के आया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी भी इवेंट आने में 2 मंथ बाकी है, अभी चल रहा है मार्च मंथ, अप्रैल मंथ में रमजान चलेगा, अप्रैल दिन हमारा मे मंथ है, मे मंथ के अंदर ही आप लोगों को ये वाला इवेंट देखने को मिलेगा। 1 या 2 वीकली मेंबरशिप परचेस करके रखो, इजी पीजी आप लोग ये वाला जो ईवो बंडल है ये निकल पाओगे। फेवरेट व्हील ये था 1 नंबर, अभी 2 नंबर फेवरेट व्हील आप लोगों को दिखाऊंगा जिसके अंदर गाइस मोस्ट डिमांडिंग ईवो गन ईवो M10/14 2.0 स्कॉर्पियो देखने को मिलेगा।
एक ऐसे इवेंट कंप्लीट करने के लिए आप लोग को मिनिमम 1000 डायमंड लगेगा। आप लोग को लेवल 1 का गाइस वेपन मिलेगा। अब जैसे आप लोग को पता है टोकन देके अपग्रेड कर पाते हो, सेम गाइस इस प्रकार का इंटरफेस आने वाला है। आप लोग देख सकते हो यूट्यूब के अंदर सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि इंटरफेस कैसा रहने वाला है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नया आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग को टोकन्स वगैरह सब कुछ दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ आइटम्स है, रिवॉर्ड्स है, जिसका फाइल अभी तक गेम के अंदर ऐड नहीं हुआ है। इवेंट आने का पहले एक मिनी अपडेट गेम के अंदर आएगा, उसके अंदर और भी काफी ज्यादा आइटम्स है, रिवॉर्ड गेम का फाइल में ऐड किया जाएगा। ओवरऑल गाइस प्रोजेक्ट क्रिम्सन इवेंट के ऊपर डिजाइन किया गया है। ऐसा जो आइटम्स है, रिवॉर्ड है, जो लीक से निकल के आया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आशा करता हूँ गाइस आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नया आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा। खुद का ख्याल रखना, खुद का, फैमिली का भी ख्याल रखना।